साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं जब किसी राज्य में बनती है तो वहां सामान्य मानवी का तो जीवन सुगम होता ही है, पर्यटन को भी बल मिलता है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां हर कोई कमाता है। गाइड कमाता है, होटल वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, दुकानदार कमाता है, खिलौने वाला कमाता है, फूल वाला कमाता है और चाय वाला भी कमाता है। कल मैंने एक ट्वीट किया था, नॉर्थ ईस्ट के सौंदर्य के संबंध में, नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की संभावनाओं के संदर्भ में, और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट गए हो तो वहां के अनुभव की एक फोटो शेयर कीजिए। मैं हैरान हूं, कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों ने ट्वीट पर कि वो नॉर्थ ईस्ट गए थे, क्या अनुभव हुआ, अपनी फोटो ट्वीट कर दी। टूरिज्म के प्रमोशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जिस प्रकार से देशवासियों ने, यानी विदेशों ने भी लोगों ने ट्वीट किया, आप भी अगर उस हैशटैग पर जाकर के देखेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे देश और दुनिया आपके प्रति गर्व का अनुभव करती है। अरुणाचल के लिए ना तो प्रकृति ने कोई कमी छोड़ी है और न ही अध्यात्म और आस्था से जुड़े स्थानों की यहां कमी है। नए एयरपोर्ट बनने से, नई रेल लाइन बिछने से यहां देश विदेश के टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे और अरुणाचल की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी।